गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बल अपने आप में पूर्ण है, परंतु जब तक वो किसी अंग में लग करके क्रियाशील नहीं होगा तब तक वो शक्ति नहीं बनेगा। बल जब क्रियाशील होता है तो उसको कहते हैं शक्ति। अगर शक्ति मान जो बल को धारण करता है, जो शक्ति को धारण करता है उसको कहते हैं शक्तिमान। ये भगवान का बनाया गया एक तरीका है। व्यक्ति के शरीर में शारीरिक बल होता है। जिस समाज में रहता है वहां समाज का बल मिलता है। अर्थ का बल मिलता है और बुद्धि का बल मिलता है। भौतिक संसार में ये चार बल काम करते हैं। सबसे पहला बल शारीरिक बल, परंतु शारीरिक बल व्यक्ति के पास हो और समाज का बल व्यक्ति के पास ना हो तो व्यक्ति बलवान नहीं है। एक बार शरीर के बल में कमजोरी हो परंतु समाज का बल उसके पास हो तो वो ताकतवर है। अगला बल है साधनों का बल। जी अगला बल है साधनों का बल। आदमी के पास कितनी बुद्धि क्यों ना हो परंतु साधन के बगैर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साधन से काम लेने के लिए बुद्धि की साधना, साधन से यदि आपको काम लेना है तो अपनी बुद्धि को साधना पड़ेगा साधन के अनुकूल, और उसका प्रयोग किसी भलाई में करना पड़ेगा। जैसे हथियार का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए किया जाता है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। परंतु जो साधन को रखता ही इसलिए अपने पास है किसी की जान लेनी है तो वो साधन का दुरुपयोग है। साधन के साथ में जुड़ी है साधना। आपके पास आपका शरीर है, संसार में कर्म करने के काम आता है, परंतु जब तक शरीर की साधना व्यक्ति को नहीं आती तो वो शरीर के बल का दुरुपयोग करता है। अब उसके शरीर को किस तरह से बल मिले? शरीर को बल मिलने के लिए खान पान, रहन सहन, शक्तियों का उचित प्रयोग, उचित खर्च करना, मन का संतुलन बना करके रखना और विकृतियों का परिमार्जन करना, ये बल का साधन के रूप में शक्ति बनाने के लिए सदुपयोग है। दोबारा से कहता हूं, क्या भोजन से व्यक्ति के शरीर को ताकत नहीं मिलती? जिस परिवेश में वो रहता है
अगर उसके अनुकूल है तो मानसिक संतुलन बना रहता है। दूसरा, जो उसका रहन सहन है उसमें जो आदर्श हैं उसका लाभ उसको मिलता है। तीसरा, अपनी शक्तियों को सोच समझ करके खर्च करना चाहिए। हमसे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल की व्यवस्था भी संसार में है। जो कमियां विकृतियां अपने अंदर हैं, हमेशा उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। खुल करके भूख लगे तो खाना खाएं, परंतु उसको भगवान का प्रसाद मान करके खाएं। भली प्रकार चबा चबा करके खाएं, जिसको आंत को काम ना ज्यादा करना पड़े, उसकी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। चटोरापन आपकी जीभ में भी ना आए। बड़े बड़े ग्रंथ इस संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में, परमात्मा के संबंध में लिखे गए हैं, परंतु ग्रंथों की बात ग्रंथों तक रह जाती है। अभी आपको कहा गया, अगर आंत का काम आप मुंह से ही ले लें, मुंह को बड़ा आसान है, आंत को मुश्किल है। परंतु जब हम चटोरे होते हैं, जीभ ज्यादा रस लेना चाहती है, इसलिए मुंह में थोड़ा सा चबा करके तुरंत अंदर ले जाती है। जब तक उसको घोलना नहीं जाएगा, जब तक भोजन को घोला नहीं जाएगा चबा करके, तब तक उसके कण कण का जो ताकत है वो हमारे शरीर को नहीं मिलेगा। भावना को जोड़ा जाए। भावना को जोड़ने से भोजन प्रसाद बन जाता है। सारे ग्रंथों का एक ही सार है, भोजन सजीव, पौष्टिक, शुद्ध, खून पैदा करने वाला और कोई हानिकारक तत्व उसके अंदर ना हो। अशुद्ध घृणित व्यक्तियों के द्वारा बनाया भी ना गया हो। जितनी स्वास्थ्य की समस्या है उसको हल करने की क्षमता हमारे ही अंदर है। अपनी आंतरिक शक्ति का जागरण, भावना को भी जगाएं। गहरी लंबी सांस लें, जो भी कहा गया ये गुण मेरे अंदर हैं, परंतु क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील नहीं है, सक्रिय करें। गहरी लंबी श्वास,
अपने गुणों का जागरण, गहरी लंबी श्वास, अपने गुणों का जागरण, स्वास्थ्य की रक्षा, शक्ति का सदुपयोग, कल मैं गुण की बात कर रहा था, गुण सतोगुणी, गुण सतोगुणी होते हैं। अज्ञानता के, भूल के कारण वो रजोगुणी हो जाते हैं। दोबारा से समझें, मैं भोजन नहीं खाता हूं परंतु अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन देता हूं, ये तो ज्ञान है। परंतु मैं भोजन खाता हूं, मैं खाता हूं, ये अज्ञानता है। इसी के कारण मैं शरीर से लिप्त हो गया हूं। मुक्ति कहा, गुण सतोगुणी होते हैं, अज्ञानता के कारण रजोगुणी हो जाते हैं, और अहंकार आने से तमोगुणी हो जाते हैं। अपने में सुधार, सतोगुणी बनने के लिए बुद्धि का प्रयोग, मन का नहीं, बुद्धि का प्रयोग। भोजन करते हैं तो स्वादेंद्रियां और मन दोनों काम करते हैं। बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि के प्रयोग से तमोगुण रजोगुण अपने आप चला जाएगा। व्यवहारिक साधना, बुद्धि का प्रयोग, मैं अपने शरीर को भोजन करा रहा हूं शक्ति के लिए, भोजन का बोझ नहीं उठाना परंतु शक्ति अर्जित करनी है। भावना के बगैर भोजन प्रसाद नहीं बनता, तो सतोगुणी कैसे बनेगा? बदलाव अपनी सोच में, बदलाव बुद्धि के द्वारा।
गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, बुराई को, कमजोरी को, अज्ञानता को जला दीजिए। प्राण को लेने के लिए वायु माध्यम, प्राण को लेने के लिए वायु माध्यम, वायु ही अपने में घोल करके उस प्राण को हमारे प्राण में डालती है। पृथ्वी तत्व अन्न जल को अपने में मिलाकर के उसको अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। प्राण तत्व के रूप में, भोजन के रूप में हमारी शक्ति के साथ जो आकर के जुड़ता है। ध्यान मुद्रा, शक्ति का जागरण, अंदर की आंखों से देखिए, जैसे वायु शक्ति पाकर के शक्तिमान बन जाती है, ऐसे ही भोजन भी शक्तिमान। इनसे मैं शक्तिशाली, बुद्धि से सब कुछ बदल दीजिए। गहरी लंबी श्वास, भोजन का भूख में ही पता लगता है, छिके हुए व्यक्ति को भोजन नहीं पचता है, रुचता है। शक्ति का सदुपयोग, ध्यान ही जीवन में सर्वोपरि गुण है। सब कुछ जीवन, आंतरिक जीवन ध्यान पर ही टिका है। जैसे वायु प्राणवायु बन जाती है,
वैसे ही ध्यान साधना बन जाती है। ज्ञान का प्रयोग, बुद्धि तत्व को जागृत करें जो मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर गुण भी हैं, मेरे अंदर शक्ति भी है। शक्ति का जागरण करिए। मन में भाव पैदा करिए और शक्ति को वहां लगाइए जिससे गुण जागृत हों। गुण का ध्यान अभ्यास के रूप में मेरे साथ करिए। बुद्धि का प्रयोग करते रहें। बुद्धि चैतन्य करिए अंदर से। चूल्हे में लकड़ी लगा करके नीचे से आग जलाई जाती है, ऊपर से नहीं। ध्यान की गहराइयों से गुण को जागृत करिए, नीचे से ऊपर तक हो जाए। सदुपयोग, एक एक सेकंड का सदुपयोग। अज्ञानता को भगाएं। शक्ति का कैसे जागरण किया जाए, कल गंगा विहार सेंटर पर इस बात को समझाया जाएगा और करवाया जाएगा।
आपको विचार की गहराई में जाना पड़ेगा। विचार की गहराई, सोच की गहराई में जाइए। नीचे से आत्म तत्व को जागृत करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक प्रकाश में समाने का प्रयास करें। अंधकार को हटाएं, बुद्धि का प्रकाश पैदा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। धीरे धीरे आगे बढ़ें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। चैतन्यता आपको प्राप्त हो। ओम अस्तो मा सद्गमय। जागृत करिए अपने आप को। कुविचार हटेंगे, निश्चित रूप से हटेंगे। सद्विचारों का जागरण होगा, निश्चित रूप से होगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय।
मृत्योर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, फिराइए मुख पर, सारी आलस्य अज्ञानता सबको हटा दीजिए, चुस्त फूर्त स्थिति पैदा हो जाए। कल मैं अरुण पांडे से को देख करके आया था अस्पताल में, और आप सबकी तरफ से उसको आश्वासन भी दे करके आया था। आज पूछूंगा स्थिति में कितना परिवर्तन है, समर्पण लिख करके भी भेजें, अरुण के लिए ये समर्पित है ये लिख करके भी भेजें। कल का आप सबका जब उनको दे दिया गया है, भेज दिया है उनके खाते में, आज की बात समाप्त।